मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जिला प्रशासन ने खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों और मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती है क्योंकि शिवराज सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। दिग्विजय सिंह पर शिवराज सरकार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने खरगोन हिंसा के नाम पर फर्जी तस्वीरें शेयर की है और जो वहां की नहीं है और वह लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर सेंट्रल जेल में जेलर के कमरे में आरोपी के साथ उन्होंने बैठक लगाई है और इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं जेलर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रपोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।